मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पर हुज्जाजे कराम का हिजाज़ मुक़द्दस में क़याम 40 दिनों का होता है। इस क़याम के दौरान उम्रा, हज और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के अलावा जो दिन बचते हैं उन्हें यहाँ अमूमी इबादत के अय्याम कहा गया है। इन अय्याम में आप मक्का मुकर्रमा में क़याम करेंगे। इन दिनों में तवाफ अफजल तरीन इबादत है, कसरत से नफली तवाफ़ कीजिए, पंजगाना नमाजें हरम में बाजमात अदा कीजिए, कुरान करीम और दीगर कुतब का मुतालिया फरमाइए। नीज हज तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत सूदमंद साबित होगी। इसके अलावा मीना, मुजदलिफा, अराफात और दीगर अहम मकामात की ज़ियारत भी इन्हीं दिनों में की जाती हैं। इस तरबियती प्रेजेंटेशन में हम आपको मक्का मुकर्रमा की अहम ज़ियारत के बारे में बताएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाए पैदाइश मस्जिद अल हराम के करीब ही वाक़ है। अगर आप सफ़ा के किसी करीबी दरवाज़े से निकलकर मस्जिद से बाहर आएं और मस्जिद के बैरूनी सहन से थोड़ा आगे जाएं तो आप इस मकाम पर पहुंच जाएंगे, आजकल जहां पर एक लाइब्रेरी कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर रिसालत से पहले जबल नूर पर मौजूद गारे हिरा में ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहे हैं। ये गार किबला रुख वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी गार में उतरी। जबल रहमा, ये पहाड़ी मैदान अरफात में वाक़ है। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा बयान फरमाया था। नहर ज़ुबैदा, रवायत है कि खलीफा हारून रशीद जौजा मोहतरमा ने ये नहर हुज्जाजे कराम के लिए पानी मुहैया करने के लिए बनवाई थी। इस नहर के आसार आज भी मौजूद हैं जो मीना से अराफात जाते हुए कई मकामात पर देखे जा सकते हैं। गारे सौर, ये गार मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर जबल सौर पर वाक़े है। ये वो मुकद्दस गार है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जारे गार हज़रत सैयदना वक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वक्त हिजरत यहाँ 3 रात क़याम पज़ीर रहे। जन्नतुल मुआला, ये मक्का मुकर्रमा का कब्रिस्तान है। यहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और कई दूसरे सहाबा के मज़ारात हैं। मस्जिद निमरा मैदान अरफात की बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के मौके पर खुलती है। यहाँ 9 ज़िलहज्जा को इमाम साहब हज का खुतबा बयान फरमाते हैं और जहर और असर की नमाज़ें जहर के वक्त मिलाकर कसर पढ़ते हैं। मस्जिद मशर अल हराम मुजदलफा के मैदान में बड़ी मस्जिद है, ये भी सिर्फ अयाम हज में खोली जाती है। मस्जिद खैफ मीना में वाक़ है। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। रवायत है कि यहाँ 70 अम्बिया-ए-कराम ने नमाज अदा फरमाई और यहाँ 70 अम्बिया-ए-सलाम की कब्रें हैं। मस्जिद बयात मीना में जमर उकबा के करीब वाक़ है। सन 1290 में हज के मौके पर मदीना मुनव्वरा के 12 अशख़ास मीना की इस घाटी में छुप कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए। तारीख में इस बैत का नाम बैत उकबा उला है। इसके 1 साल बाद सन 1390 में हज के ही मौके पर मदीना के तकरीबन 72 अशख़ास ने अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त हक परस्त पर बैत की और ये अहद किया कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, और इस तरह हिजरत मदीना मुनव्वरा की राह हमवार हुई। मस्जिद आयशा
मस्जिद अल-हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर पर हदूद हरम से बाहर मकाम तनाइम पर यह आलीशान मस्जिद वाक़ है। इसे मस्जिद तनाइम भी कहते हैं। ज़ायरीन यहाँ से उम्रे का अहराम बांधते हैं। 9 हिजरी में जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ थीं। अय्याम के दिनों की वजह से तवाफ़ न कर सकें। आपको परेशान देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा गम न करें, यह आरज़ा आदम की बेटियों के साथ लिखा गया है। और फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ले जाएं कि वो मकाम तनईम से अहराम बांध कर उम्रा कर लें। मस्जिद जिन, ये मस्जिद जन्नतुल मौला के करीब वाकई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज फजर में कुरान पाक की तिलावत सुनकर यहाँ जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था। मस्जिद राया, ये मस्जिद भी मस्जिद जिन के करीब ही वाकई है। राया अरबी जबान में झंडे को कहते हैं। ये मस्जिद उस तारीखी मकाम पर बनाई गई है जहाँ फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा नसब फरमाया था।